हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि दिल्ली में ऐतम नामी एक मालदार बुज़ुर्ग थे। इन्होंने एक मस्जिद तामीर कराई और इसकी इमामत हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई हज़रत शेख नजीबुद्दीन मतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द की। फिर कुछ दिन बाद इन्हीं बुज़ुर्ग ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। हज़रत शेख नजीबुद्दीन मतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह को बुज़ुर्ग के इस अमल पर बड़ी हैरत हुई। एक तरफ शरीयत का दावा और दूसरी तरफ दुनियादारी का मुजाहिरा। आखिर शेख नजीबुद्दीन मतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह खामोश ना रह सके और शेख ऐतम से दिल की बात कह दी। आखिर इसमें क्या मुजायका है? शेख ऐतम ने जवाब देते हुए कहा, मैंने किसी के हकूक तो गस्त नहीं किए, मेरा अपना माल था जिसे मैंने बेटी पर खर्च कर दिया। तो फिर तुमको एतराज़ क्यों है? शेख, आपको ये बात जेब नहीं देती। आप तो जानते हैं इस्लाम में इस राह से भेजा की गुंजाइश नहीं। शेख ऐतम के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? शेख, आप मोमिन कामिल की तलाश में रहते हैं और अक्सर इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, तो आज वो और सुन लीजिए। मोमिन कामिल वो होता है जिसके दिल में अल्लाह को मोहब्बत औलाद की मोहब्बत पर गालिब हो। अगर आप अल्लाह की राह में इससे दो गुना खर्च करें जितना आपने अपनी बेटी की शादी पर किया, तो आप मोमिन कामिल हो सकते हैं। शेख ऐतम हज़रत नजीबुद्दीन मतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह की हक गोई बर्दाश्त न कर सके और आप रहमतुल्लाह अलैह को अपनी मस्जिद से रफात कर दिया। फिर जब शेख नजीबुद्दीन मतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह अजुदन तशरीफ लाएँ और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक़या बयान किया, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कुरान करीम की ये आयत मुक़द्दसा तिलावत की। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसे ही। इसके बाद इरशाद फरमाया, तुम तो मुतवक्कल हो मेरे भाई, फिर क्यों किसी बात का गम करते हो? अगर ऐतम गया है तो ऐतगरी आ जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद ऐतगर नामी एक अमीर व कबीर शख्स हिंदुस्तान आया और उसने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे की बहुत खिदमत अंजाम दी।